हेलो दोस्तों, जेके डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज सब एडजेक्टिव्स पढ़ रहे थे, आज की क्लास रहेगी एडजेक्टिव्स की, जो नेक्स्ट डिग्रीज के रूल्स रहेंगे। और कल हमने जो सीखा था, थोड़ा कल की बात करते हैं, कल का थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। कल हमने जो सीखा था, लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था डिग्री में, वो था इंटरचेंजेस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो उनका पॉजिटिव डिग्री से हम कॉम्पिटेटिव डिग्री में चेंज कर रहे थे और कॉम्पिटेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बना रहे थे। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, कल का ही ये रिविजन है, फिर नेक्स्ट चलेंगे आज रूल। कल का एक रिविजन का एक एग्जाम्पल है ये, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, उसको आप चेंज करेंगे कॉम्पिटेटिव डिग्री में। ठीक है, थोड़ा इधर से लिखते हैं। पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, सुमित इज नॉट सो टॉल एज मोहित। आपको इसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो हमने कल आपको बताया था कि पॉजिटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कंपैरेटिव डिग्री का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो मोहित यहाँ पे आ गया, जो वर्ब दे रखी है उसका चेंज नहीं करते हैं, सेम वर्ब को यूज करते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हो जाती है, प्लूरल है तो प्लूरल। तो मोहित इज, मोहित सिंगुलर है, इसीलिए इसका प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट जो स्टेप था वो था पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस कैसा होगा, अफर्मेटिव होगा, इसलिए हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। सो के प्लेस पर सो का और एज का प्रयोग नहीं करेंगे, और पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है उसको कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में चेंज करके लिखेंगे। तो टॉल का कंपैरेटिव डिग्री होता है टॉलर, तो मोहित इज टॉलर। फिर इसके बाद देन का प्रयोग करते हैं, देन, और पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस, मोहित इज टॉलर देन सुमित। तो ये कल का जो हमने रूल आपको बताए थे, स्टेप बाय स्टेप भी समझा दिया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव डिग्री से अगर कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो पॉजिटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट है वो कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, उपरोक्त वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर पॉजिटिव डिग्री आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर सो एज के प्लेस पर सो एज को हटा देंगे और पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है उसको कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में चेंज कर देंगे। उसके बाद देन का प्रयोग करेंगे, और देन के बाद क्या करेंगे, जो पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट है वो कंपैरेटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट की जगह से लिख देंगे। तो ये कल हमने आपको कराया था पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री को चेंज करना। अब एग्जांपल लेकर ले लेते हैं कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो लिखो सुरेश वाज मोर हैंडसम, देन कृष्णा। अब आपको इसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, तो किस तरीके से हम इसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे। ठीक है, तो समझो किस तरीके से हम पॉजिटिव डिग्री को इस सेंटेंस में चेंज करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे, तो कृष्णा को यहां लिखेंगे कृष्णा। उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करेंगे वॉज, और थर्ड जो स्टेप था वो था अगर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव में कर देंगे। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए इसमें नॉट का प्रयोग किया जाएगा, तो ये हो जाएगा कृष्णा वॉज नॉट। अब मैंने बताया था अगर नेगेटिव है और हमें एज एज और सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखना है तो हम किसके मध्य लिखते हैं, सो एज के मध्य लिखेंगे अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो। ठीक है, तो कृष्णा वाज नॉट, फिर सो, अब मोर हैंडसम का अगर पॉजिटिव डिग्री में पूछ लो आपसे तो क्या होगी, हैंडसम। फिर एज का प्रयोग करेंगे,
डेल को हटा देंगे, फिर जो कंप्यूटर डिग्री का जो सब्जेक्ट है वो पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा? सुरेश। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगी? कृष्णा वाज नॉट सो हैंडसम एज सुरेश। ठीक है, ये रही कल के क्लास का रिवीजन। अब आज की क्लास जो स्टार्ट होती है, जो डिग्री के कुछ रूल बताए हैं उनको लिखेंगे, उसके साथ साथ हम कंपेरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री को चेंज करेंगे, और सुपरलेटिव से कंपेरेटिव, कंपेरेटिव से पॉजिटिव, और पॉजिटिव से सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव से पॉजिटिव। इस तरीके से हम डिग्रियों को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, तो एक रूल लिखो आप, यहां से लिखता हूं मैं। ठीक, यदि सुपरलेटिव, यदि सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस, यदि सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस इस प्रकार दिया हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सुपरलेटिव, ठीक है, एस का मतलब चलो मैं लिख देता हूं, प्लस ऑफ या इन, ऑफ या इन प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड्स। अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस इस प्रकार इस फॉर्मेट में दे रखा होगा, तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, सुपरलेटिव से कंपेरेटिव डिग्री में, या फिर कंपेरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, वो अभी मैं स्टेप बाय लिखाऊंगा, कल मैंने स्टेप नहीं लिखाए थे, क्योंकि अब जो जितने भी रूल्स हैं थोड़ी कल के हिसाब से टिपिकल है। ठीक है, तो पहले इसको समझो, जो सुपरलेटिव डिग्री का जो सेंटेंस है वो आपको इस फॉर्मेट में दिखाई देगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, वर्ब के बाद सुपरलेटिव, सुपरलेटिव के बाद, सुपरलेटिव का मतलब समझ रहे हो ना, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, प्लस ऑफ दिखेगा, या ऑफ नहीं दिखेगा तो इनका यूज करेगा वो। ठीक है, प्लस अदर वर्ड्स होगा। तो हम किस तरीके से चेंज करते हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे सुपरलेटिव डिग्री से किसमें चेंज कर रहे हैं हम, कंपेरेटिव डिग्री में, या कंपेरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट लिखो, स्टेप फर्स्ट लिखो, सुपरलेटिव डिग्री का या सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस का सब्जेक्ट कॉम्परेटिव डिग्री के सब्जेक्ट सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस का सब्जेक्ट कॉम्परेटिव डिग्री के का सब्जेक्ट होता है, ऐसे लिख लो। जो आपको सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट दे रखा होगा उसी का ही कंपेरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट होगा, ये नहीं कि सुपरलेटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट कंपेरेटिव डिग्री में हमने सब्जेक्ट के प्लेस पे लिख दिया, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप टू है, उपयुक्त स्टेप को याद रखना, चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करना या उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करेंगे। दूसरे नंबर पर स्टेप थ्री है, दा को हटा दें। ठीक, स्टेप फोर है आपका, स्टेप वाइज चलेंगे। ठीक है, स्टेप फोर है आपका सुपरलेटिव के एडजेक्टिव को, किसको, सुपरलेटिव के एडजेक्टिव को किसमें चेंज करेंगे,
कॉम्परेटिव एडजेक्टिव में, कॉम्परेटिव एडजेक्टिव में चेंज कर देंगे, क्योंकि हम सुपरलेटिव डिग्री से किसमें चेंज कर रहे हैं, कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। स्टेप फाइव है, देन का प्रयोग, देन का प्रयोग करेंगे उसके बाद, और आपका जो स्टेप सिक्स बचा है, मैं यहां लिख देता हूं, नीचे जगह नहीं है, दिखाई नहीं देगा आपको, स्टेप जो सिक्स है, तो देन के बाद, देन के बाद एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन, अगर हम एनी देन के बाद एनी अदर का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ सिंगुलर नाउन लगाएंगे, और या फिर ऑल अदर का प्रयोग करेंगे तो प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। ऑल अदर के साथ प्लूरल नाउन आता है और एनी अदर के साथ सिंगुलर नाउन आता है। ये छह स्टेप है, इन फर्स्ट स्टेप वाइज हम सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, ठीक है। यदि हमें सुपरलेटिव डिग्री या सेंटेंस किस फॉर्मेट में दिखाई दे तब करेंगे ऐसा, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, फिर सुपरलेटिव हो, फिर ऑफ या इन हो, फिर प्लस अदर वर्ड्स हो, ठीक है। मैं रफ करता हूँ, फिर एग्जाम्पल लेता हूँ आपको अच्छी तरीके से। स्टेप नोट कर ली, एग्जाम्पल है आपका, कोलकाता इज द बिगेस्ट इन इंडिया, कोलकाता ऐसा, ये सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल है आपका, किसका है, सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल है, और इसको आपको चेंज करना है किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। पहले हम पहचानेंगे जो सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है वो किस फॉर्मेट में दिया गया है। तो ये फॉर्मेट मैंने लिखा है था, ये वाला अगर फॉर्मेट फॉलो कर रहा है तो जो स्टेप छह लिखा है तो वन स्टेप सेकंड स्टेप, इसके अनुसार हम कंप्लीट डिग्री को चेंज करते हैं, ठीक है। देखो सब्जेक्ट क्या है इस जगह, कौन का सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद सुपरलेटिव, देखो सुपरलेटिव में दे रखा है कि नहीं, एडजेक्टिव दे रखा है, मैं ये वाला फॉर्मेट आपको यहां दिखा रहा हूं पूरा, ठीक है। सुपरलेटिव उसके बाद क्या है, यहाँ इंडिया, यहाँ पे क्या है, अदर वर्ड्स है, ठीक है। देखो सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, इस वाले फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो सब्जेक्ट वर्ब सुपरलेटिव ऑफ या इन, यहाँ पे इन आया है, फिर अदर वर्ड्स, ठीक है। अब इसको हम किस में चेंज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में। तो हमारा फर्स्ट स्टेप था कि सुपरलेटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट है वो कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट रहता है, एज इट रहेगा, इसको ऐसे नहीं कि इसका जो ऑब्जेक्ट है अदर वर्ड है इसका सब्जेक्ट बनेगा, नहीं, इस तरीके से नहीं। फिर क्या होगा, ये कोलकाता, उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इसका प्रयोग करके इस। स्टेप थर्ड आपका जो लिखा है वो था दा को हटा देते हैं, क्या कर देते हैं, दा को हटा देते हैं। स्टेप फोर्थ था सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को किसमें चेंज कर देते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को, तो बिगेस्ट, बिग का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, बिगेस्ट, और बिग का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, बिगर, ठीक है। कोलकाता इज बिगर, इसके बाद हम देन का प्रयोग करते हैं, और देन के बाद क्या करते हैं, एनी अदर, क्या बताओ, देन के बाद क्या करेंगे, एनी अदर
एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन टाउन इन इंडिया, इस तरीके से ये एनी अदर फिर सिंगुलर नाउन फिर अदर वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है आपके। तो इस तरीके से ये कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ एनी अदर नहीं करूँ तो ये ऐसे भी हो जाएगा सेंटेंस, कोलकाता इज बिगर देन ऑल अदर, एनी अदर की प्लेस पे क्या करेंगे हम ऑल अदर, फिर टाउन की जगह क्या हो जाएगा टाउन्स, क्या हो जाएगा टाउन्स, क्योंकि इसके साथ कौन सा नाउन आएगा प्लूरल इन इंडिया। इस तरीके से हम सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और लो, इसको आप चेंज करना पहले फिर इसके बाद मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। देखो कालिदास इज द, देखो कालिदास इज द, ये सुपरलेटिव डिग्री का है, ठीक है। कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ऑथर इन, बस लिख लो चेंज करो इसे फटाफट। कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ऑथर इन वर्ल्ड, या फिर इस तरीके से लिख लो कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ऑथर इन संस्कृत। भाई तो संस्कृत में ठीक रहेगा, ठीक है, ऐसे वर्ल्ड के प्लेस पर क्या कर देते हैं संस्कृत कर लो, क्योंकि कालिदास जो है वो किसके ऑथर थे संस्कृत के थे ना। देखो इसको आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। सबसे पहले आप देखो इस वाले फॉर्मेट को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये वाला जो सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है वो इस वाले फॉर्मेट को कर रहा है कि नहीं, बोलो। सब्जेक्ट है, वर्ब है, सुपरलेटिव है ऑफ या इन है, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स है, ठीक है। इसको चेंज करो फटाफट जल्दी और बताओ क्या होगा इसका। कालिदास इज ग्रेटर, गलत है, देखो कालिदास उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करेंगे, दा को हटा देंगे और इसको किस में चेंज कर देंगे, ग्रेट का सुपरलेटिव ग्रेटेस्ट है और कंपैरेटिव क्या होता है ग्रेटर, तो कालिदास इज ग्रेटर देन, देन का प्रयोग कौन करेगा, नहीं बोला था अभी मैंने, बोला था गलत है। कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर ऑथर इन संस्कृत, ठीक। अगर मैं इस तरीके से करूं कालिदास इज ग्रेटर देन ऑल अदर, तो यह ऑथर के प्लेस पर क्या करेंगे आप ऑथर, ऑल अदर करेंगे यहाँ पे एनी अदर की जगह पे। अगर मैं ऑल अदर करता हूँ तो ऑल अदर क्या होगा फिर, ऑथर ना होके ऑथर्स हो जाएगा, क्योंकि ऑल अदर के साथ हम कौन सा नाउन यूज करेंगे प्लूरल नाउन यूज करेंगे, ठीक है। ऑल अदर के साथ एक ही बात है, अगर एनी अदर में चेंज कर रही हो तो यहाँ सिंगुलर नाउन एज इट रहेगा, अगर यहाँ पे मैं प्लूरल दे रखा है तो ऑल अदर का प्रयोग कर देंगे, और सेम जो वर्ड है अदर वर्ड उनको लास्ट में एज इट रखेंगे, ठीक है। तो आपने सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना सीख लिया है, जब हमें कौन सा फॉर्मेट दे रखा हो सुपर सब्जेक्ट हो फिर वर्ब हो फिर सुपरलेटिव हो प्लस ऑफ या इन हो प्लस अदर वर्ड्स हो, तो हम सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बना देते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार हम कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बना देंगे, बस इसके उल्टा कर देंगे, ठीक है। सेम रूल यही रहना, बस उल्टा कर देते हैं, तो कंपैरेटिव से क्या बन जाता है सुपरलेटिव बन जाता है, ठीक है। अब इसी फॉर्मेट में अगर हमारा सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस इसी फॉर्मेट में होगा तो हम सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे और पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में हम कैसे चेंज करते हैं, तो पहले इसके स्टेप लिख लो, स्टेप लिखने के बाद में फिर इसके एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे स्टेप फर्स्ट में, लिखो स्टेप फर्स्ट, पॉजिटिव डिग्री के
सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे ना, पहले सुपरलेटिव डिग्री से कंपेरेटिव में चेंज किया था, अब कंपेरेटिव सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में। अगर हमने इस तरीके का फॉर्मेट दे रखा हो, सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस सेम इसी फॉर्मेट पे दे रखा हो, तो उसका हमें पॉजिटिव डिग्री किस तरीके से बनाना है वो लिखना है, ठीक है। देखो पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को नो अदर प्लस नो देखो पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को नो अदर प्लस अदर वर्ड या ऑफ या इन कर लो, ऑफ या इन प्लस अदर वर्ड से शुरुआत करेंगे, ठीक है। नो अदर, नो अदर के बाद जो हमें ऑफ या इन का प्रयोग करेंगे सिंगुलर नाउन और आ जाएगा यहाँ पे, नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस ऑफ या इन प्लस अदर वर्ड से शुरुआत करेंगे। स्टेप फर्स्ट ये करेंगे, स्टेप टू क्या करेंगे, उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करेंगे, उपयुक्त उपयुक्त वर्ब का प्रयोग, ठीक। स्टेप थर्ड लिखो, इसके बाद क्या करेंगे, दा को हटा देंगे, दा को हटा दें, ठीक है। स्टेप दा को हटा देंगे, स्टेप फोर है सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव भी तो दे रखा होगा, सुपरलेटिव से पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो किस में चेंज कर देंगे उसे, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में चेंज कर देंगे, और किसके बीच में लिखेंगे उसको, सो एज के या एज एज के बीच में लिख देंगे चेंज करके, ठीक है। स्टेप फोर नीचे दिखाई दे रहा है, जरा देखना दिखाई दे रहा है, ये वाला स्टेप फाइव, स्टेप फाइव सुपरलेटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट होता है, सुपरलेटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट है वो पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट की जगह लिख देंगे, ठीक है। लिख लो, ये पांच स्टेप हम सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए फॉलो करेंगे। पहला समझ लो, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस अगर हम बनाएंगे सुपरलेटिव से चेंज करके, तो नो अदर से शुरुआत करेंगे, उसके बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑफ या इन का प्रयोग करेंगे, प्लस अदर वर्ड्स का यूज करेंगे, ठीक है। नंबर सेकंड क्या है, उपयुक्त वर्ब जो हमें इसमें दे रखी होगी, इसी सेंटेंस में दे रखी होगी, उसका प्रयोग करेंगे, फिर दा को हटा देंगे। अगला स्टेप फोर है कि सुपरलेटिव के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में चेंज करके लिखेंगे, और किसके मध्य लिखेंगे, सो एज के मध्य में या एज एज के मध्य में लिखेंगे। और स्टेप फाइव है कि सुपरलेटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट होगा वो पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा जाएगा, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, एग्जांपल लेते हैं फिर अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे ये सारे स्टेप। वन बाय वन हम उस एग्जांपल पर फॉलो करेंगे और आप मेरे साथ साथ समझते चलना, फिर आपको एक एग्जांपल दिया जाएगा जो सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज कराना होगा, आपको करना होगा वो सेकेंड एग्जाम्पल, पहले समझ लो आसानी से। लिखो एग्जाम्पल है, महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। अब पहले मुझे ये बताओ, ये वाला सेंटेंस जो दे रखा है सुपरलेटिव डिग्री का है या पॉजिटिव डिग्री का है,
सुपरलेटिव डिग्री का है, कैसे पहचाना आपने? क्योंकि इसमें सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज किया गया, द ग्रेटेस्ट। ठीक है, बनाओ इसे, कैसे बनाओगे फॉलो करो। चलो पहला मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद आप बनाना। ठीक है, पहले समझ लो। देखो मैंने क्या फर्स्ट स्टेप बताया था कि अगर इसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, सुपरलेटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री में आसानी से चेंज कर लोगे कि नहीं इसको? क्योंकि ये वाला फॉर्मेट है, इससे पहले वाले जो सुपरलेटिव से कंपेरेटिव कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। चलो दोनों ही देख लो। इसका पहले मैं कंपेरेटिव बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ इसका? कंपेरेटिव। तो क्या होता था हमारा? महात्मा गांधी सब्जेक्ट सुपरलेटिव डिग्री का, वो कंपेरेटिव डिग्री का रहता था। इसका ही प्रयोग करते हैं, वॉज द को हटा के ग्रेटेस्ट का जो वो हो जाएगा क्या, कंपेरेटिव क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन के बाद एनी अदर करते हैं, एनी अदर लीडर ऑफ इंडिया। ये तो हो गया इसका कंपेरेटिव डिग्री। अब इसका पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाना है? तो मैंने पहला स्टेप लगाया था कि पॉजिटिव डिग्री, पहला स्टेप था पॉजिटिव इस डिग्री के और सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस ही फॉर्मेट को फॉलो करता है। तो पॉजिटिव सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाती? तो पहला स्टेप था नो अदर से शुरुआत करेंगे, किससे? नो अदर। फिर इसके बाद क्या था? सिंगुलर नाउन। इसमें सिंगुलर नाउन लीडर है, लीडर का प्रयोग हो गया, लीडर। फिर इसके बाद ऑफ या इनका प्रयोग, तो इस सेंटेंस में ऑफ का प्रयोग हुआ है, ऑफ। फिर अदर वर्ड क्या है यहाँ पे? इंडिया। फिर उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्या वर्ब है यहाँ पे? वॉज। अब नो अदर यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसीलिए सो के इसके बीच में लिखेंगे। पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव ग्रेटेस्ट का क्या हो जाएगा? ग्रेट। एज अब मैंने बताया था सुपरलेटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट है वो पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है, यही तो था लास्ट स्टेप। तो यह क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। तो ये जो था इस फॉर्मेट से सुपरलेटिव से पहले कंपेरेटिव डिग्री में चेंज कर दिया, फिर सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका चलेगा, एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर करते हैं नेक्स्ट रूल को स्टार्ट। देखो एग्जाम्पल लिखो, अजीत लिखो, आपको इसके दोनों बनाने हैं, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अजीत इज द टॉलेस्ट, अजीत इज द टॉलेस्ट बॉय इन विलेज। देख लो, इन विलेज अजीत इज द टॉलेस्ट बॉय इन माई विलेज। कर लो, चलो विलेज से तो पता नहीं चलेगा कौन से, इसको आपको पहले इसका सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, ये इसको कंपेरेटिव में चेंज करना, उसको ही इसमें चेंज करना पॉजिटिव डिग्री इस सेंटेंस में चेंज करना। अजीत इज द टॉलेस्ट बॉय इन माय प्लेस। तो इसका कंपेरेटिव डिग्री क्या होगा? देखो सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को कंपेरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट में एडिट रखेंगे जब ये वाला फॉर्मेट फॉलो कर रहा होगा। ये वाला फॉर्मेट है कि नहीं? क्योंकि सब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्ट, वर्ब के प्लेस पे वर्ब, फिर सुपरलेटिव, ऑफ या इन, फिर अदर वर्ड। ठीक है, अब देखो कंपेरेटिव बनाएंगे तो इसका बनेगा अजीत, फिर उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करेंगे इस, द को हटा के टॉलेस्ट की अगर सुपर कंपेरेटिव डिग्री क्या होगी? टॉलर। फिर देन का प्रयोग करेंगे, देन ऑल अदर करेंगे तो बॉयज हो जाएगा, एनी अदर करेंगे तो बॉय, ऑल अदर कर लेंगे, चलो ऑल अदर बॉयज इन माई विलेज। ये हो गया आपका कंपेरेटिव डिग्री में चेंज। अब इसका पॉजिटिव डिग्री बनानी है तो क्या करेंगे? नो अदर से शुरुआत करते हैं पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए। जब इस तरीके का फॉर्मेट दे रखा हो, ये नहीं क्या हमेशा नो अदर से ही करेंगे,
इसीलिए ये रूल चल रहा है, इसीलिए सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस अगर इस फॉर्मेट में हो तो नो अदर के बाद सिंगुलर नाउन क्या है यार, नो अदर बॉय, फिर इन ऑफ, फिर अदर वर्ड माई बिलीव, फिर क्या करेंगे सो टॉल एस्ट का कंपोजिटिव सॉरी क्या हो जाएगा टॉल, फिर एस, फिर इसका सुपरलेटिव का सब्जेक्ट, इससे पहले वर्ब का प्रयोग नहीं किया, नो अदर बॉय इन माई विलेज, हाँ या वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ था या वर्ब का प्रयोग, नो अदर बॉय इन माई विलेज इज सो टॉल एज अजीत, ठीक है लिख लो। पर इसको करने के बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर सेकंड लिखो, यदि कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस यदि कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस किस तरीके से दे रखा हो, सब्जेक्ट हो प्लस वर्ब हो प्लस कंपैरेटिव हो प्लस क्या हो देन हो प्लस एनी अदर या ऑल अदर, अगर एनी अदर है तो इसके बाद क्या होगा सिंगुलर नाउन, ऑल अदर है तो इसके बाद प्लूरल नाउन होगा प्लस अदर वर्ड, ऑफ या इन अदर वर्ड्स, ठीक है लिख लो। तब हम कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाएंगे और पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, जब हमें कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्मेट इस प्रकार दे रखा हो, तो कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस का फॉर्मेट दे रखा हो, ठीक है एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझ में आएगा अच्छी तरीके से, या फिर मैं सीधे स्टेप इसीलिए नहीं लिखा रहा क्योंकि पिछले वाले रूल में मैं स्टेप बता चुका हूँ, तो पहले लिख लो ठीक है एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है आयरन इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, लिख लो आयरन इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, इसको ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है और इसको पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे नो अदर से शुरुआत करते हैं, किससे अगर हमें इस तरीके का फॉर्मेट दे रखा हो कॉम्परेटिव डिग्री का उसका पॉजिटिव डिग्री बना रखा हो, नो अदर, नो अदर के बाद क्या करते हैं सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं, मुझे बताओ इसमें सिंगुलर नाउन कौन सा है बताओ, बेटर है ना, एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन होता है ऑल अदर के बाद प्लूरल नाउन होता है, नो अदर मेटल, अब इसके बाद क्या करेंगे वर्ब का प्रयोग करेंगे, ऑफ या इन अदर वर्ड है नहीं इसमें, ऑफ और इन अदर वर्ड इसमें सेंटेंस में नहीं है तो हम क्या करेंगे लगाएंगे ही नहीं, तो नो अदर मेटल इज सो या एस के बीच में लिखेंगे, फिर सो हैवियर का जो कंपैरेटिव सॉरी सुपरलेटिव डिग्री हैवीएस्ट होता है और उसका जो पॉजिटिव डिग्री क्या होता है हैवी, एच ए हैवी एज क्या हो जाएगा आयरन, एनी अदर का प्रयोग नहीं करते हैं, एनी अदर का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है देखो आयरन इज तुमने पहले ध्यान नहीं करवाया,
चलो नोट करो फटाफट, ध्यान दिला दिया करो भाई। आयरन इज द हैवियर देन एनी अदर मेटल, इसका पॉजिटिव डिग्री क्या होगा? नो अदर मेटल इज सो हैवी एज आयरन। ठीक है, तो कंपेरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में आसानी से चेंज करना सीख गए आप। अब जो रूल लिखो नेक्स्ट है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका देखो, यदि सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस, रूल नंबर डाल लेना अपने हिसाब से, ठीक है, कौन सा चलना है वो। यदि सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस, ठीक है, रूल नंबर अपने हिसाब से डाल लेना कौन सा है। किस तरीके का फॉर्मेट देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव प्लस प्लूरल प्लूरल नाउन प्लस ऑफ या इन प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, अगर सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस इस फॉर्मेट का होगा, किसका हो, सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो, वर्ब के बाद वन ऑफ द हो, फिर सुपरलेटिव हो, फिर प्लूरल नाउन हो, फिर ऑफ या इन, फिर अदर वर्ड्स हो, तब हम सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे या कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री कैसे चेंज करेंगे बताओ। तो इसके स्टेप लिखा दूं या फिर डायरेक्ट एग्जांपल भी चले, डायरेक्ट एग्जांपल भी चले, क्योंकि कोई स्टेप ना आज कोई ज़्यादा बड़ा चेंजिंग नहीं होता है, एग्जांपल में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर अगर स्टेप लिखाएंगे तो फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो इसीलिए फिर चलती है डायरेक्ट एग्जाम्पल पर ही चलते हैं। ठीक, लिखो एग्जाम्पल है थोड़े, चलो अगले एग्जाम्पल जब आप बनाना तो करते, ठीक है। मिल्टन मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अरे कमी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी, देखो थोड़ा लिख लो जल्दी, मैं बोल देता हूँ जब तक लिंक डाल लेता हूँ। ठीक है, मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ, कहाँ के थे मिल्टन पता है किसी को, इंग्लैंड। मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंग्लैंड। ठीक, ग्रेटेस्ट पोइट्स मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंग्लैंड। तो इसको देखो, इसी एग्जांपल से मैं सारी चीज सुपरलेटिव से कंपेरेटिव डिग्री और फिर पॉजिटिव डिग्री तीनों बना दे, तीनों दोनों में चेंज कर देता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। बस स्टेप ना लिखा के एक चीज को मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा। ठीक है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को कंपेरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट की जगह ही लिखेंगे। मिल्टन उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करेंगे वॉज। अब कंपेरेटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री से चेंज कर रहे हो तो वन ऑफ द को हटा देंगे, क्या करेंगे,
वन ऑफ द को हटा के क्या प्रयोग करेंगे, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट ग्रेट की क्या है, सुपरलेटिव है, और इसकी जो कंपेरेटिव होगी वो क्या होगी, ग्रेटर। ठीक, मिल्टन वॉज ग्रेटर, इसके बाद किसका प्रयोग करते हैं हम, देन का। अब जो पिछला वाला रूल था या फॉर्मेट था उसमें एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन फिर ऑफ या फिर अदर वर्ड्स का प्रयोग करते थे, लेकिन इसमें एनी अदर का प्रयोग ना करके किसका करेंगे, मोस्ट अदर। किसका प्रयोग करेंगे, मोस्ट अदर। जब हमारा सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस इस प्रकार दे रखा होगा तो हम कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, मोस्ट अदर। फिर मोस्ट अदर के बाद क्या आएगा, पोएट्स ऑफ इंग्लैंड। आसानी से समझ गए, ठीक है, दोबारा से समझ लो। अगर हमारा सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस इस फॉर्मेट में हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब वन ऑफ द हो, फिर सुपरलेटिव हो, प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन है कि नहीं देखो, प्लस ऑफ या इन हो, ऑफ है प्लस अदर वर्ड इंग्लैंड है, तब हम कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट जो सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट होगा उसे कंपेरेटिव का सब्जेक्ट रखेंगे, उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करेंगे, वन ऑफ द को हटा देंगे, उसके बाद जो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है उसे किस में चेंज कर देंगे, कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में, इसके बाद देन का प्रयोग करेंगे, देन के बाद में क्या मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं, जब वन ऑफ द होता है तब सुपरलेटिव डिग्री में, तो मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे ना कि एनी अदर का, फिर जो प्लूरल नाउन है उसका ऑफ इंग्लैंड, मोस्ट अदर के प्लेस पर मेनी अदर भी कर सकते हैं। ठीक, अब इसका हम पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं तो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को शुरुआत करेंगे किससे, वेरी फ्यू से। कब, जब हमारा सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस कौन सा फॉर्मेट रखता होगा, वन ऑफ द वाला, बस वन ऑफ द से याद रखना, ठीक है, कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं आता। जब वन ऑफ द वाला फॉर्मेट रखता है सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस, तो जब हम पॉजिटिव डिग्री के जो एडजेक्ट को पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस को चेंज करेंगे तो किस में करेंगे, वेरी फ्यू से शुरुआत करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, वहां सिंगुलर नाउन आता था, यहाँ पे क्या है, प्लूरल नाउन है, वेरी फ्यू पोइट्स, फिर ऑफ या इन, ऑफ अदर वर्ड आएगा, फिर इंग्लैंड। अब वर्ब का प्रयोग करेंगे, अब मुझे ये बताओ यहाँ आप यूज कौन सा नाउन कर रहे हैं, प्लूरल या सिंगुलर, तो वर्ब की कौन सी लगाएंगे, प्लूरल, तो वाज की प्लेस पे वर, तो वेरी फ्यू पोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड वर, फिर सो के बीच में लिखेंगे क्या, ग्रेट, सो ग्रेट एज, या एज ग्रेट एज भी लिख सकते हैं, एज ग्रेट एज मिल्टन। ठीक, तो सुपरलेटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री में चेंज हो गया, और सुपरलेटिव डिग्री से ही किस में, पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो गया। अगर हमें पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस इस तरीके से दे रखा हो तो हम आसानी से इसे कंपेरेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। देखो, तो अगर हमें पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस दे रखा है, वेरी फ्यू पोइट्स ऑफ इंग्लैंड वर सो ग्रेट एज मिल्टन, अब इसको हमें चेंज करना है तो किस में चेंज करना है, चलो सुपरलेटिव में चेंज करना है, मैं इसको रिवर्स करा दूंगा, इसीलिए मैं सारे एग्जांपल ये तो मैं सारे रूल नहीं लिखा रहा, क्योंकि एक बस क्योंकि रूल स्टेप को उल्टा कर देते हैं। अब बताओ इसका कंपेरेटिव डिग्री बनाओ क्या बनेगा, देखो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कंपेरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट की प्लेस पे मिल्टन, अब मिल्टन क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो वर्ब का प्रयोग करेंगे वॉज। अब देखो किसमें चेंज कर रहे हैं हम, कंपेरेटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं, तो सो का प्रयोग नहीं करेंगे, एज का नहीं करेंगे, ग्रेट का क्या हो जाएगा, ग्रेटर, फिर देन का प्रयोग करते हैं। जब वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव तो क्या करेंगे हम, एनी अदर का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका करेंगे, मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे, मोस्ट अदर का प्रयोग हो गया। अब जो बचा अदर वर्ड्स उसको लिख दो पोएट्स ऑफ इंग्लैंड, इस तरीके से हम रिवर्स में पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव बना देते हैं और पॉजिटिव डिग्री से ही इसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और मेरी तरफ से डिग्रीज का जो कॉन्सेप्ट है एडजेक्टिव के अंतर्गत वो पूरा स
समाप्त हो जाएगा। और आप जितनी एक्सरसाइज करना चेंज करना, अगर कोई दिक्कत आती है क्वेश्चन को करने में तो मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को डाल देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो। जापान इज वन ऑफ द richest countries in world। लिख लो। ठीक है, इसका आपको जो एग्जांपल है इसको किसमें चेंज करना है, कंपैरेटिव डिग्री में, और साथ साथ में पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। ठीक है, ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। देखो कैसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, तो जापान का जापान हो जाएगा, जापान उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करेंगे, वन ऑफ द को हटा देंगे, रिचेस्ट का क्या होगा, रिचेस्ट। ठीक है, ठीक है, जापान इज रिचर देन, देन के बाद मोस्ट अदर, मोस्ट अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो किससे शुरू करते हैं, वेरी फ्यू, फिर प्लूरल नाउन आता है कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब इसका प्रयोग नहीं करेंगे, किसका करेंगे, आर का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लूरल नाउन यूज किया गया है। तो वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर सो रिच एज जापान। ठीक, तो कंपैरेटिव डिग्री चेंज हो गया और ये पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दिया। तो मेरी तरफ से भाई लोगों, डिग्रीज एडजेक्टिव के अंतर्गत जो डिग्रीज का चैप्टर है वो पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, और आप एक्सरसाइज करने का प्रयास करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख के टाइप करके मेरे पास सेंड कर दें, तो मैं उसको कल की क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।